हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सोल। माय नेम इज फैसल मजहर। सो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट सब डोमेन्स इन सी पैनल। एक होता है डोमेन और एक होता है सब डोमेन। सब डोमेन कैसे क्रिएट की जाती है सी पैनल के थ्रू, आइए वो आपको मैं आपको बताता हूँ। सीधा चलते हैं वेब ब्राउजर पे और सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपने डोमेन का नाम। ठीक है, आपकी जो डोमेन का जो भी नाम होगा आपने यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद आगे आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के सी पैनल लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, ये जब ओपन हो जाएगा तो आपने सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है और आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये सी पैनल का पूरा डैशबोर्ड आ चुका है जिसपे आपकी पूरी वेबसाइट की ए टू जी फाइल्स, इमेजेस, मीडिया, वीडियोस, स्पेस, हर चीज इसके अंदर आपकी होती है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको एक डोमेन का सेक्शन नजर आएगा। इस डोमेन के सेक्शन में आप यहाँ ढूंढे यहाँ पे सब डोमेन्स कहीं हो लिखा होगा, जैसे यहाँ पे सब डोमेन लिखा है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि एक डोमेन क्रिएट करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डोमेन का नाम दे देता हूँ डेमो। ठीक है, अब जो मेरी डोमेन का जो यूआरएल बनेगा वो बनेगा demo.digitaltexol.com। ठीक है, अब ये आपकी सब डोमेन बन गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ डोमेन रूट, इसका मतलब ये होता है कि आपकी फाइल जो पड़ी हुई होगी ना वो पड़ी होगी public_html/domain पर। मतलब कि इस public_html के अंदर आपका एक फोल्डर बना दिया जाएगा जो डेमो के नाम से लिखा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फोल्डर ना हो, उस डायरेक्ट आपकी फाइल्स public_html के अंदर ऐड हो, तो आप यहां से इसको ख़त्म कर दें। आप जब इसको ख़त्म करेंगे तो आपकी सारी फाइल जो है ना वो इस वाले पोर्शन में चली जाएंगी, लेकिन यहां पे जो आप सब डोमेन बना रहे हैं उसी की आपने फाइल्स का नाम भी रखना है ताकि आपको कल को पता हो कि आपकी इस सब डोमेन की जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड वो कहाँ पड़ी हुई हैं। आपने ये सब डोमेन बना दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दें। ये देखिए, जैसे ये मैसेज आ गया सक्सेस का, क्रिएट सब डोमेन आपकी क्रिएट हो चुकी है। आप गो बैक पे क्लिक करें और यहाँ स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे नीचे आप देखें demo.digitaltexol.com के नाम से एक सब डोमेन आपकी क्रिएट हो चुकी है। इसका रूट कौन सा होगा? इसका रूट होगा public_html/demo। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपका रूट बताया गया है कि public_html के अंदर डेमो के नाम से फोल्डर होगा। यहाँ public_html पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेमो के नाम से आपका फोल्डर बना हुआ है। वापस सब डोमेन के सेक्शन में जाते हैं, इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है कि रिडायरेक्शन, ये ऑप्शनल होता है। अगर कुछ होते हैं डेवलपर या कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं हमें सब डोमेन बनानी है लेकिन इसको रिडायरेक्ट करवाना है हमने किसी और वेबसाइट पे। रिडायरेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मैनेज रिडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो है ना उस डोमेन का नाम लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ गूगल, मेरी वेबसाइट जो है ना वो रिडायरेक्ट करे गूगल पे। इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये रिडायरेक्शन भी हमारे पास आ रही है। अब बैक पे जाते हैं, ये देखिए ये हमने रिडायरेक्शन यहाँ लगाई तो ये बता रहा है कि अगर हम ये वाली डोमेन ऐड करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कहाँ कर देगी, गूगल के अंदर। आइए इसको चेक करते हैं कि ये रिडायरेक्ट होती भी है कि नहीं। ये कॉपी किया और ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया demo.digitaltexol.com। अब ये रिडायरेक्ट होकर google.com पे चली जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये जैसी डायरेक्ट होकर google.com पे चली गई है। इस तरीके से आप सब डोमेन में अपनी रिडायरेक्शन भी लगा सकते हैं और अगर आपने रिडायरेक्शन नहीं लगानी तो आप यहाँ से सिंपल रिडायरेक्शन को मैनेज ही नहीं करेंगे। यहाँ ये रिडायरेक्शन जो है ना, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से इसको आप जब डिसेबल करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर रिडायरेक्शन आपकी ख़त्म हो गई। इस तरीके से आप सब डोमेन बना सकते हैं और अगर उस पर रिडायरेक्शन लगाना चाहे किसी थर्ड पार्टी लिंक का तो आप वो भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको वसूल होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।